हेलो आस्था जाना हो। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बच्चों, संस्कृत आप लोगों को करा रहे थे ना? मैम। चैप्टर हो गया था, उसकी वर्ड मीनिंग हो गई थी। अब हमको यस मैम। करना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है? थर्ड यस मैम। चैप्टर का आपका क्वेश्चन सर है। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। थर्ड का करवा रहे हैं, ठीक है? आपके चैप्टर थर्ड का ये है। थर्ड चैप्टर क्या था आपका? स्वावलंबन। आपको उसमें यहाँ पर वर्ड मीनिंग हो गया था इसका। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्या पूछा गया है? कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनी आसन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कंठस्य भवने सर्वविधानि सर्वविधानी सुख साधनानी संति। क्या पूछा गया है कि भवन में कौन सुखी से रहता था और किसके पास सब चीजों की सुख सुविधा थी? तो किसके पास थी? श्री कंठ के पास सब चीज की सुविधा थी। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक, आंसर का समझ रहे बच्चों? बोलते चलो बेटा, आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। रवि, सौम्या, जैनब, आस्था, यस मैम। यस मैम। यस सेकंड मैम। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कस्य गृहे को अपि भृत्या नस्ति, मतलब किसके घर पे भृत्या मतलब क्या था? मेहमान, अतिथि। कौन आया था, किसके घर पर गए थे? कौन सा नंबर टू हो जाएगा? खासा कृष्ण मूर्ति है। कौन है कर्म कर रहा नासिक, ठीक? आपका आंसर नंबर सेकंड ये हो जाएगा। फिर आपका आंसर नंबर थर्ड, पूछा गया है इसका क्या था? सेकंड क्वेश्चन का अर्थ क्या पूछा गया है कि कस्य गृहे को अपि भृत्या नास्ति, मतलब कौन किसके घर पर अतिथि गए थे? तो आंसर है कृष्ण मूर्ति घर गृहे कर्म करहा नास्ति। कृष्ण मूर्ति के घर पर अतिथि गए थे। और कौन गया था? उनका मित्र। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, श्री कंठस्य अतिश्यामा कृष्ण मूर्तिः तस्य माता पिता च आकुर्वन्। ठीक है, यह है आंसर आप में क्लास। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर?
मूर्ति तस्य माता पिता च त्रिकंठस्य ये हो जाएगा आपका आंसर। किसने उनका अतिथि का स्वीकार किया मतलब सत्कार किया, उनके कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता ने उनका किया सेवा सत्कार। हो गया यहाँ तक? यस मैम। फोर्थ है आंसर नंबर का सर्वदा पुत्र सुखम, सर्वदा पुत्र सुखम तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वदा स्वलंबने एवं सुखम। सर्वदा पुत्र सुखम आंसर क्या हो जाएगा, सर्वदा स्वलंबने एवं सुखम। तो कहा जा रहा हमेशा खुश कैसे रह सकते हो, तो आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य स्वयं करके आप हमेशा खुश रह सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? दो और बाकी है, पहले इतना कर लो फिर लिखवा रहे आगे। हो जाता है सबको तो बता दीजिए, आंसर आंसर लिखवाए हैं बस, ठीक है? आस्था, अरुण कुमार, रवि, सौम्या, जैनब। हो जाता है बेटा तो बताइए, ठीक है? यस मैम। बता दीजिएगा तो रूम ड्रॉप कर देंगे। यस मैम। मैम हो गया, सबका हो गया? मैम हो गया। यस मैम। आपका दो क्वेश्चन आंसर और बाकी है, ठीक है? तो फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ पूछा गया है श्रीकंठा कृष्ण मूर्ते गृहम कदा आगच्छत। पूछा गया श्रीकंठ के घर के श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर पर कब पहुंचे थे, तो क्या तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसमें, आंसर नंबर
श्रीकंठा किस मूर्तिः गृहं कदा आगच्छत्? इसका आंसर है आपका मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी, ऐसा क्यों हो गया? नहीं आवाज आ रही मैम, नहीं अब आने लगी। बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम। श्री कंठा प्रातः 9 वादने 9 वादने श्रीकंठा प्रातः 9 वादने कृष्ण मूर्तिः गृहं आगच्छत्। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 6 है कृष्ण मूर्तिः कति कर्म करः सन्ति? कृष्ण मूर्ति, तो इसका पहले इसका अर्थ समझ लो कि श्री कंठ प्रहता 9 वादने कृष्ण मूर्तिः गृहं आगच्छत् का अर्थ हो जाएगा कि श्री कंठ प्रहता सुबह कितने बजे, प्रहता है क्या किए थे, 9 बजे उनके घर पर पहुंच गए थे। हाँ ठीक। चलिए आंसर नंबर 6 क्या पूछा है कि कृष्ण मूर्तिः कति कर्म करा सन्ति? कृष्ण मूर्तिः जो थे वो क्या सोचते हैं कि कैसा कर्म करें? उसके बाद है कृष्ण मूर्तिः अष्टा कर्म करा सन्ति। कृष्ण मूर्तिः अष्टाकर्म करा सन्ति, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि कृष्ण मूर्ति ने अपने हाथों पैरों से काम करने वाला, अपने से काम करने वाला बताया। ठीक है, कृष्ण मूर्ति कैसे थे जो स्वयं अपना कार्य करते थे। यहाँ तक लिख लो बेटा, फिर उसके बाद बताइए आगे हम करवाएं। यस मैम। आस्था, आदित्य, अरुण कुमार, रवि, सौम्या, जैनब। बेटा हो जाएगा तो हमको प्लीज बता दीजिएगा। यस मैम। आपको उसके बाद है जो चित्र वाला है उसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है। Yes, ma'am. चित्र वाला आप लोग अपने से किए होंगे ना, वो तो बुक में ही करना है तो उसको अपने से करना। फोर्थ वाला हम करवा रहे हैं। मैम हो गया? हो गया सबका? मैम हो गया। Yes, किसी का बाकी है? किसी का बाकी है? हो गया मैम। आपका फोर्थ, देखो बेटा एक बात सही से समझ लो, उल्टा सीधा मत समझना। आपका पहले शब्दार्थ करना रहता है, उसके बाद फर्स्ट वाले में सिर्फ उच्चारण करना है, ये सिर्फ उच्चारण करना है। आप इसको लिख भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। सेकंड वाले में आपका क्वेश्चन सर है वो हमने करवा दिया है। थर्ड वाले में आपका चित्र वाला है, इसको आप अपने से कीजिए। और फोर्थ जो ये है ये हम करवा रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। नहीं है तो पूछ लो। जनाब कॉपी दे देना।
28, 27, 30, 31. आपको इसको गिनती में क्या लिखते हो? अष्ट विंशति मतलब क्या? 28, 27. क्या ना कॉपी दे देना हमको? रवि बाद में बोलिएगा, क्लास डिस्टर्ब मत करो। फिर है आपका 30, त्रिशंत, त्रिशत। 31 है आपका एक त्रिशंत। ठीक, 28 में अष्टविंशति ही। फिर आपका क्या है? मतलब कि जैसे आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हो, रोमन में पढ़ते हो संख्या, वैसे आप संस्कृत में यहाँ पर है। ठीक, फिर आपका क्या है? 24, 40 और 50। 24, 40 और 50, तो क्या हो जाएगा? 24 को क्या बोलते हैं? चत्वारिशंत। एक मिनट रुक जाओ बेटा। एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, रुक जाओ। ट्वेंटी फोर को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति, विंशति ही। और 40 को बोलते हैं चत्वारिशता, और 50 को बोलते हैं पंचाशत, पंचाशत। किसको बोलते हैं? 50 को। लिख लो, 50 को कहते हैं पंचाशत, पंचाशत। ठीक है, मैम आपकी आवाज फिर बंद हो गई। बाकी बच्चों को भी बंद आ रही है? नहीं आ रही है मैम? नहीं आ रही है। रवि मौर्य क्या हो गया है तुमको? मैम सही में नहीं आ रही आपकी आवाज। बाकी बच्चों को आ रही है? बहुत सिलो सिलो आ रही, बहुत सिलो। लेकिन बहुत स्लो में आ रही है आपकी आवाज। बाकी बच्चों को भी स्लो आ रही है? नो मैम। रवि मौर्य का मोबाइल खराब है। मोबाइल नहीं खराब है मैम, साउंड पहले वो करो, वॉल्यूम बढ़ाओ। एक बार लीव हो के फिर से आजा, हो जाएगा ठीक। हाँ मैम, आने लगी, बहुत तेज आने लगी। आने लगी ना?
थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कर रवि। फिर उसके बाद है आपका फिफ्थ। फिफ्थ में क्या, फिफ्थ देखो आपका चित्र वाला है, ये वाला है फिफ्थ। बताओ बच्चों, है ना? तो आपको क्या कहा गया है, इसको बुक में कीजिएगा आप लोग, ठीक है? लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि चित्रम दृष्टावा मंजुषातः पदानि च प्रयुवाक्यानि रचयत्। मतलब चित्र को देख के क्या करना है आपको, वाक्य लिखना है। तो जो वाक्य लिख रहे हैं बस उसको लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ पर आपको चित्र देख के वाक्य लिखना है। फिफ्थ है ये, फिफ्थ वाला पहला हो जाएगा आपका ऐसा। हाँ बस ये कुछ करती नहीं है। कृष्ण कहा, ऐसा कृष्ण कहा, क्षेत्रम पर्षत। ऐसा कृष्ण कहा, क्षेत्रम पर्षति। सेकंड है आपका एतो कृष्ण को हो एतो कृष्ण को हनन हनन कार्यम कुरुतः। एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। और थर्ड है एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। एषा कृषकः क्षेत्रं पश्यति। फिर सेकंड है एतो कृषकः खनन कार्यं कुरुतः। थर्ड है एतेः कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। मतलब कि मतलब जो किसान होते हैं वे एक क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं और उससे क्या करते हैं, उसके बाद उसको जोताई करते हैं खेतों की और लास्ट में फिर धान को रोपते हैं, ठीक है? इसका अर्थ ये हुआ। तो ये वाला भी हो गया आप लोगों का? यस मैम। मैम भी नहीं हुआ, लिख के बताओ, ठीक है? ये आपका टाइम वाला है, ठीक है? जैसे आप टाइम को 10:30 को क्या कहते हो, 10:30 हिंदी में क्या बोलते हो, 10:30 या 10:30 बोलते हो, ठीक है? तो उसी तरह संस्कृत में आप क्या बोलते हो, 10:30 को सार्धदश वादनम, ठीक? दस सात सात को बोलते हो सप्त वादनम। सब तो आत्म दो तीस मतलब ढाई को क्या कहते हो, सार्ध दिव वादनम। फिर उसके बाद है ग्यारह को क्या हो गया तुमको रवि मौर्य? बैठे बैठे तुमको नींद आने लगती है। एकादश वादनम ग्यारह को, ठीक है? फिर उसके बाद है 4:30 मतलब 4:30 या 4:30 को क्या कहते हैं, सार्ध
चतुर्वर्धनम फिर है डेढ़ तार दे सार्धिका वादनम डेढ़ को क्या कहते हैं सार्धे सार्धिके वादनम नहीं दिख रहा होगा ना बच्चों आप लोगों को अब दिख रहा है यस मैम पांच को बोलते हैं सार्ध एक तीन तीस को बोलते हैं सार्ध त्रिवादनम नौ को बोलते हैं नववादनम साढ़े बारह को बोलते हैं बारह तीस को बोलते हैं सार्ध द्वादश द्वादश वादनम ये हो गया साढ़े बारह और आपका और क्या होता है दो और आठ है आठ को बोलते हैं अष्टवादनम और सात तीस को बोलते हैं सार्ध सप्त सार्ध सप्त वादनम यहाँ तक लिख लीजिए देखो बेटा आपको हम ये चीज बता दे एक चीज कि जो तुम लोग इसको डिफिकल्ट समझ रहे हो कुछ भी नहीं है कैसे अब हम आपको बताते हैं देखो सार्ध का मतलब जानो आधा ठीक है इसका क्या मतलब होगा आधा और दश मतलब क्या होता है दस से मतलब है और वादनम मतलब बज रहा है सप्त मतलब सात होता है वादनम मतलब टाइम हो रहा है देखो फिर आया सार्ध सार्ध मतलब होता है आधा और देव एक वचन पढ़े होगा ना एक दिव पढ़ते हो ना इस तरह एक दिव त्री चतुर पंचम षष्ठ पढ़े हो ना बस उसी को ऐड कर देना है तो आप सार्ध का मतलब आधा समझिए और जो उसके बाद गिनती आ रही है वो आपकी गिनती है और वादनम मतलब होता है अपना टाइम हो रहा है इसी तरह सप्त वादनम ढाई को क्या कह है सार्ध द्वि वादनम ग्यारह को एकादश एकादश एकादशी मतलब क्या होता है ग्यारह तो एकादश वादनम साढ़े चार क्या हो गया सार्ध चतुर्वादनम हाँ फिर है आपका आठ अष्ट वादनम इसी तरह सारी गिनती है तो यहाँ सरल है ना लेकिन मैम कर नहीं पाते वहां पेपर के समय ये तो जब सीखोगे तभी तो करोगे ना मैम ऊपर वाला हो गया था आप लोगों का हाँ मैम रफ कर दे ऊपर यस मैम तो सिक्स वाला नहीं हुआ है ना सिक्स वाला हुआ है आप लोगों का अभी सेक्स वाला भी हो गया नाक बजर की अरे रवि मौर्य क्लास में हो फालतू काम मत किया कीजिए ठीक है क्लास से लेफ्ट होकर काम करो बाकी जो आपका काम करना है आदित्य जैनब अरुण रवि सौम्या हो गया आप लोगों का सिक्स वाला भी यस मैम यस मैम
तो आप कॉपी में क्या क्या करोगे? शब्दार्थ करिएगा, शब्दार्थ कॉपी में रहेगा, फिर है आपके पास क्वेश्चन आंसर, जो थर्ड वाला है वो बुक में रहेगा, और फोर्थ वाला आपका कॉपी में, फोर्थ वाला कॉपी में, फिफ्थ वाला फिर बुक में रहेगा, सिक्स वाला कॉपी में, और सेवेंथ वाला कॉपी में, ठीक है? हाँ मैम, सेवेंथ कहाँ कराई है आप? नहीं कर पाओगे अपने से? मैम कॉपी आ जाके ले ले। हाँ आके ले लो। तो क्या हो जाएगा आपका? पहला हम बता दे रहे हैं क्या क्या फिल होगा। रवि मौर्य बहुत तेज डांट खाओगे। अगर गाना गाना है तो रिमूव हो जाओ क्लास से और लेफ्ट होके जाइए, गाना गाइए। यहाँ मजाक हो रहा है, क्लास चल रही है, आप गाना गा रहे हो उसमें। घर में हो ना, फैमिली आपकी सुन नहीं रही है। सेवेंथ वाला नहीं कराएंगे, सेवेंथ वाला अपने से करो। आप लोगों को गाना गाना है, मस्ती है, आ रही है, सेवेंथ वाला अपने से कीजिए। जितना पढ़ा दिए हैं उसको सब कॉपी में कीजिए। चलिए अब आगे कोई क्लास नहीं होगी जब आपको गाना गाना है, बाकी चीजें भी आप लोग कीजिए जो करना है, ठीक है? बाकी चीज आप लोग कॉपी में। सॉरी मैम, सॉरी मैम।